एक गांव में शोभू नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसके छोटे से खेत में अपने दोनों गायों की मदद से जुताई करता था। खेत के बगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी डालकर वहीं रहता था। उसके पत्नी और दो बच्चे थे। उगे हुए फसल को अपने बैलगाड़ी पर रख के मार्केट को ले जाकर बेचकर पैसे कमाता था। कमाई बहुत कम होने के कारण शोभू पत्नी से अपना दुकड़ा सुनाकर दुखी होता था। उसी गांव में पशुपति नाम का एक धनवान आदमी हुआ करता था। वो बहुत दिनों से शोभू के खेत को हड़पने की कोशिश कर रहा था। खेत देने के लिए बहुत बार पूछे तो भी शोभू नहीं माना था। शोभू, श्रीमान पशुपति जी, आपसे कितनी बार कहूँ, मुझे मेरा खेत बेचना पसंद नहीं है, कृपा करके मुझे परेशान मत कीजिए, यूं कहता था पशुपति तब। ए शोभू, पूछ रहा हूँ कहकर मुझे कम मांग रहे हो क्या? किसी ना किसी दिन तुम्हारा खेत मेरा होकर रहेगा, देख लेना, कहकर धमकाता था। एक बार शोभू की बेटी खेलते खेलते अचानक से बेहोश होकर गिर गई। शोभू तुरंत बेटी को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर उसकी परीक्षा करके, देखिए आपकी बेटी के दिल में होल है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जितना जल्दी किए तो उतना अच्छा होगा, उसके लिए कम से कम 2 लाख तो खर्च होंगे, तब तक बच्ची को यहीं ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तुरंत जाकर काउंटर में 1 लाख रुपए एडवांस भरिए, कहा। अब शोभू को क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत पशुपति के पास गया, उसे पैसे चाहिए कहकर पूछा। पशुपति, अरे अरे ऐसा क्या, तुम्हारे खेत को गिरवी रखे तो 2 लाख रुपए एडवांस दूंगा, बाकी के पैसे बाद में आकर लेना, ठीक है, कहा। शोभू विवश होकर खेत के कागजात देकर उसके पास से 2 लाख रुपए लिया। वो पैसे अस्पताल में भरकर बेटी का ऑपरेशन करवाया। बाद में वो बाकी के पैसों के लिए पशुपति के पास गया। पशुपति, शोभू तुम्हारे खेत का दाम मार्केट में 7 लाख रुपए है, मगर मेरा दिल बड़ा है ना, मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, पहले ही 2 लाख रुपए एडवांस लिए ना, ये लो बाकी के 8 लाख रुपए, अब खेत और झोपड़ी छोड़कर चले जाओ, कहा। अब शोभू और उसका परिवार बैलगाड़ी पे खेत को छोड़कर चले गए। बाद में शोभू वो पैसे बैंक में डिपॉजिट करने गया। उन नोटों को देखकर कैशियर, ए, ये क्या भाई, फर्जी नोट लाकर धोखा देने के लिए सोच रहे हो क्या? मैनेजर जी, तुरंत पुलिस को फोन कीजिए, कहते ही मैनेजर ने पुलिस को फोन किया। ऐसे शोभू को और उसके परिवार को जेल में डाल के पुलिस वाले शोभू को खूब मारे। ऐसे तब, ए, तुम्हें पैसे पशुपति जी ने दिया है कहकर बोले तो हम कैसे भरोसा करें, तेरी पत्नी और बच्चों को देखकर इस बार छोड़ रहा हूँ, जाओ जाकर ईमानदारी से जियो, जाओ, कहकर उसे भिजा दिया। जेल से बाहर आने के बाद शोभू पत्नी से, अब हम क्या करें, घर नहीं है, जीने के लिए काम नहीं है, भगवान अब क्या करें, कहकर दुखी हो रहा था। बेटा, पिताजी माँ के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, माँ का बनाया कारियर हमारे स्कूल में बहुत फेमस है, सारे बच्चे उसे खाने टूट पड़ते हैं, हम एक रेस्टोरेंट खोले तो कैसा रहेगा, कहा। माँ तब, ये क्या बेटा, पहले ही हम परेशान हैं, तो तुम बीच में मजाक क्यों कर रहे हो, हम रेस्टोरेंट कैसे खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, पूछी। बेटी, माँ अगर जहाँ चाह हो तो वहाँ राज जरूर होगा, हमारे बैलगाड़ी को हम एक रेस्टोरेंट के जैसे बदलेंगे, हमारे घर के सामानों का इस्तेमाल करेंगे, बोली। शोभू को आइडिया बहुत अच्छा लगा, वो तुरंत अपने बैलगाड़ी को एक रेस्टोरेंट गाड़ी के जैसे बदल दिया। बाद में शोभू की पत्नी खाना बनाई, उन व्यंजनों को गाड़ी में रखकर सब गांव के अंदर आए। गांव वाले उस गाड़ी को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। शोभू तब, आइए भाई आइए, आइए माँ आइए, स्वादिष्ट भोजन बहुत कम दाम में, आइए आइए, कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर लोग उस गाड़ी के पास आकर खाना खरीद कर खाने लगे। उसका स्वाद देखकर वो लोग फिदा हो गए, खाना स्वादिष्ट है कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। ऐसे उस दिन उन्हें बहुत पैसे मिले। वो लोग गांव के बाहर एक प्लास्टिक टेंट डालकर वहीं खाना बनाकर
गाड़ी पे भोजन बेचते हुए पैसे कमाने लगे, गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाने लगे। एक बार पुलिस स्टेशन से एसआई शोभू को फोन करके तुरंत स्टेशन को आने के लिए कहा। शोभू का परिवार डरते हुए स्टेशन को गया। वहां पशुपति जेल में था। एसआई शोभू, उस दिन तुम इस पशुपति पे आरोप लगाए तो मैंने यकीन नहीं किया था, मगर बाद में तुम्हें ईमानदारी से व्यापार करना, गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाना, ये सब देखकर मुझे तुम पर भरोसा आया। बाद में फर्जी नोटों का एक गैंग पकड़े गया तो उनके द्वारा इसकी पोल खुली, इसके बारे में पता चला। इसके घर में राइड किए तो फर्जी नोट मिले, ये लो इसके घर में मिले तुम्हारे घर के कागजात। कहकर उसे घर के कागजात दिया। उन्हें लेकर शोभू और उसका परिवार एसआई को नमस्कार किए। ऐसे शोभू और उसका परिवार बैलगाड़ी पे भोजन बेचते हुए खुशी से जीने लगे।